Hi everyone, welcome to Baiju's Exam Prep, the most comprehensive preparation app for all exams. My name is Abhishek and I welcome you all in this session. आज का जो ये वीडियो है ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है बिकॉज आपका CSIR NET का जो पेपर है December attempt वो बहुत जल्द होने वाला है 26, 27, 28 को आपका पेपर है तो उसका स्पेशली जो पार्ट ए है राइट पार्ट ए जहां पे 20 क्वेश्चंस आते हैं आपको 15 क्वेश्चंस करने होते हैं वहां पे उन 15 क्वेश्चंस से कैसे हम अपने स्कोर को मैक्सिमाइज कर सकते हैं ये मैं डिस्कस करना चाहता हूं आज क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स के मैसेजेस आ रहे थे काफी सारे बच्चे परेशान थे कि सर पार्ट ए में स्कोर को कैसे इंप्रूव किया जाए मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है अब लास्ट मोमेंट में मैं किन एरियाज पे फोकस करूं किन टॉपिक पे फोकस करूं ताकि पार्ट ए में अपने स्कोर को मैक्सिमाइज किया जा सके तो बेस्ड अपॉन माय रिसर्च बेस्ड अपॉन माय एनालिसिस प्रीवियस ईयर्स के जो पेपर्स रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स के वहां पे किन टॉपिक्स से क्वेश्चन ज्यादा रिपीट हुए हैं किन टॉपिक्स का वेटेज ज्यादा है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं यहां पे ताकि आप इन टॉपिक्स के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करके इन टॉपिक्स को रिवाइज करके अपना स्कोर जो है वो पार्ट ए में मैक्सिमाइज कर सकते हो ठीक है तो एक बार क्विकली डिस्कस कर लेते हैं ठीक है पहला टॉपिक जो है वो है मेंसुरेशन राइट पहला टॉपिक है मेंसुरेशन मेंसुरेशन से 2 से 3 क्वेश्चंस शिफ्ट में आ ही जाते हैं पार्ट ए में राइट हर शिफ्ट में 2 से 3 क्वेश्चंस मेंसुरेशन से आ ही जाते हैं जब मैं मेंसुरेशन की बात करूं तो मेंसुरेशन आपका 2D हो गया मेंसुरेशन 3D हो गया 2D यानी कि जहां पे 2-dimensional फिगर्स की बात होती है सर्कल हो गया स्क्वायर हो गया हेक्सागन हो गया ट्राइंगल हो गया राइट जहां पे हम पेरीमीटर की बात करते हैं एरिया की बात करते हैं सिमिलरली 3D मेंसुरेशन यानी कि सिलेंडर हो गया स्फीयर हो गया ठीक है कोन हो गया उसमें भी सिलेंडर और स्फीयर से क्वेश्चंस जनरली ज्यादा आते हैं तो 3D मेंसुरेशन और 2D मेंसुरेशन के आप अपने कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज कर लीजिएगा उसके साथ साथ एक वैरायटी ऑफ क्वेश्चन है जो कि काफ़ी ज़्यादा शिफ्ट्स में पूछा जाता है काफ़ी ज़्यादा पेपर्स में पूछा गया है और वो है कॉम्पोजिट फिगर्स का एरिया निकालना कॉम्पोजिट फिगर्स में एरिया निकालना किसका शेडेड रीजन का ठीक है तो ये वाले क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा फॉर एग्जांपल एक हेक्सागन है एक हेक्सागन में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर दूंगा तो इसका एरिया कितना होगा या फिर 2 सर्कल्स या 3 सर्कल्स उनको ओवरलैप कर दिया तो उसका जो शेडेड एरिया होगा वो क्या होगा तो इस वैरायटी के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो मेंसुरेशन 2D 3D एंड कॉम्पोजिट फिगर्स से 2 से 3 क्वेश्चंस जनरली हर शिफ्ट में पार्ट ए में पूछ लिए जाते हैं ठीक है इसी में अगर ज्योमेट्री को भी मैं इंक्लूड कर दूं वैसे ज्योमेट्री में थ्योरम्स और प्रॉपर्टी बेस्ड क्वेश्चन नहीं आते हैं इसलिए मैं ज्योमेट्री को अलग से नहीं मेंशन कर रहा हूं लेकिन ज्योमेट्री के कुछ बेसिक फंडे जैसे एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं एक आइसोसेलेस ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालते हैं एक हेक्सागन का एरिया कैसे निकालते हैं तो वो बेसिक जो है ज्योमेट्रिकल फिगर्स का 2D के साथ जो ओवरलैप होता है राइट वो आप रिवाइज कर लीजिएगा वो कॉन्सेप्ट एक बार रिवाइज कर लीजिएगा वो फॉर्मूलेस देख लीजिएगा क्योंकि उनकी जरूरत आपको क्वेश्चंस में पड़ेगी ठीक है दूसरा पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग के क्वेश्चंस काफी ज्यादा पूछे जाते हैं ठीक है पेपर कटिंग या फिर पेपर फोल्डिंग ठीक है इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एक क्वेश्चन जनरली शिफ्ट्स में पूछ लिया जाता है ठीक है तो इसके क्वेश्चंस को आप रिवाइज कर लीजिएगा प्रैक्टिस कर लीजिएगा ठीक है अगली जो वैरायटी है वो है मिसिंग नंबर इन फिगर्स मिसिंग नंबर्स या मिसिंग नंबर इन फिगर्स फॉर एग्जांपल एक क्यूब बना दिया और कुछ कुछ नंबर लिख दिया यहाँ पे कोई नंबर मिसिंग कर दिया पूछेगा कि बताओ यहाँ पे मिसिंग नंबर क्या होगा या फिर एक सुडोकू टाइप का पैटर्न बना दिया इस टाइप का एक ग्रिड बना दिया और पूछ लेगा कि मिसिंग नंबर क्या होगा किसी भी पर्टिकुलर ग्रिड के अंदर राइट तो मिसिंग नंबर वाले क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं तो इनकी भी प्रैक्टिस आप कर लीजिएगा ठीक है चौथा टॉपिक जो आपको ध्यान में रखना है वो ये है कि नंबर्स राइट नंबर्स से भी ऑन एन एवरेज 2 से 3 क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं ठीक है अब किस टाइप के क्वेश्चंस नंबर वाले क्वेश्चंस कॉम्पोजिशन से रिलेटेड राइट कॉम्पोजिशन से रिलेटेड कोई नंबर इवन है ऑड है प्राइम है कॉम्पोजिट है राइट उनको ऐड कर दिया गया या इतने नंबर्स का सम ऐसा है तो बताओ ये इंडिविजुअल नंबर क्या होंगे राइट सो कॉम्पोजिशन बेस्ड प्रॉपर्टी लगा करके नंबर्स के क्वेश्चन हो गए इसके अलावा डिजिट बेस्ड क्वेश्चन हो गए
ठीक है, डिजिट बेस्ड क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं, डिविजिबिलिटी का कॉन्सेप्ट यूज कर लिया जाता है नंबर्स के क्वेश्चन में, ठीक है, यूनिट डिजिट रिमाइंडर पूछ लिया जाता है, तो यूनिट डिजिट हो गया, ठीक है, रिमाइंडर हो गया, राइट. तो ये सब टॉपिक्स मिला के एचसीएफ एलसीएम एडिशनली आप ऐड कर सकते हैं, यहाँ पे एचसीएफ हो गया, एलसीएम हो गया, तो ये सब टॉपिक्स मिला करके 2 से 3 क्वेश्चन ऑन एन एवरेज हर शिफ्ट में आ ही जाते हैं, ठीक है. तो ये 4 टॉपिक्स हैं, जहां से अगर मैं देखूं तो 2-3 इधर 2-3 इधर 6-7-8 से 9 क्वेश्चन आपको इन 4 टॉपिक से डेफिनेटली देखने को मिलेंगे, राइट. वैसे तो अरिथमेटिक में भी टीएसडी से एक क्वेश्चन आ जाएगा, टाइम एंड वर्क से हो सकता है क्वेश्चन आ जाए, परसेंटेज से क्वेश्चन आ जाए, तो वैसे एक एक क्वेश्चन को अगर आप इवेल्युएट करेंगे तब तो ऐसे कई सारे टॉपिक्स हैं जहां पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, लेकिन ये स्पेसिफिक डिस्कशन मैं उन टॉपिक्स का कर रहा हूं जहां से क्वेश्चंस डेफिनेटली आते ही आते हैं, एट द सेम टाइम वेटेज भी ज्यादा होता है. तो अगर आप इन 4 टॉपिक्स का ध्यान रखेंगे तो आपको डेफिनेटली 8-9 क्वेश्चंस करने में बहुत ज्यादा हेल्प होगी. सो आउट ऑफ 15 अगर आप सोचो 8-9 क्वेश्चंस आपको यहां से मिल जाते हैं तो ओवरऑल यू नो पेपर ए का जो सीन है आपके लिए काफी ज्यादा सॉर्ट हो जाता है, ठीक है. तो आई वांटेड टू हैव दिस डिस्कशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, स्पेशली फॉर पीपल जिनका पार्ट ए इतना स्ट्रांग नहीं है, जिनको पार्ट ए में दिक्कत होती है, राइट. तो आप इन टॉपिक्स का ध्यान रख करके अपना जो पार्ट ए का स्कोर है उसको मैक्सिमाइज कर सकते हैं, ठीक है. तो इन टॉपिक्स का आप एक बार ध्यान रखिएगा, ठीक है. बाकी मेरी तरफ से आपके लिए ऑल द बेस्ट है, डू गुड, डू वेल इन द पेपर, एंड आई थिंक जब आप पेपर देने जाते हैं तो अपना कंपोजर मेंटेन करना काफी ज्यादा जरूरी है, तो डोंट पैनिक. एंड सिंस आपके पेपर में नेगेटिव मार्किंग भी है तो अननेसेसरी यू नो क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं आप वही अटेम्प्ट करेंगे, अननेसेसरी अटेम्प्ट करके नेगेटिव मार्किंग को अट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है. सो ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड, एंड बाय बाय, टेक केयर एंड डू गुड इन योर पेपर. थैंक यू.